अगर आपके बाल कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ड्राई, डैमेज, फ्रिजी, रफ, टफ, उड़े उड़े रहते हैं, कोई थिकनेस नहीं है, ब्लैकनेस नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि आपके बालों में प्रोटीन की कमी है। क्योंकि जब प्रोटीन की कमी होती है बाल कुछ ऐसे ही हो जाते हैं, और जब प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है तो आपके बाल कुछ इस तरह के दिखेंगे, उनके अंदर शाइन आएगी, उनके अंदर ब्लैकनेस आएगी, और जब आप उनको उठा के देखें ना, ऐसे भारी भारी से आपको आपके बाल दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके बालों पे प्रोटीन अच्छे से जा रहा है। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है बालों को मोटा बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, चमक लाने के लिए, शाइनी बनाने के लिए। मैंने आप लोगों को बहुत सारे DIY दिए हैं, और एक हेयर कैरेटिन ट्रीटमेंट मैंने आप लोगों को घर पे कैसे आप कर सकते हैं, अगर आप वो कर लेते हैं ना, आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके ये फ्रिजी बाल है ना, ये ऐसे बन जाने वाले हैं, सिर्फ एक बार में ये अच्छा खासा रिजल्ट देगा। अगर आप लिंक चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको DIY पसंद है, और बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको प्रोडक्ट पसंद होते हैं। अब दोनों की डिमांड, दोनों की ख्वाहिश पूरा करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो आज मैं आप लोगों को एक हेयर क्रीम बताऊंगी, एक हेयर सीरम बताऊंगी, दोनों ही मेरी मोस्ट फेवरेट हैं। जब भी मेरा DIY लगाने का मन नहीं करता है, मैं इनको उठाती हूँ और मैं लगा लेती हूँ। स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं है, मैंने इनको खुद अमेजोन से परचेज किया है। मेरी ये सेकेंड पैकेजिंग है, और ये मेरा पता नहीं, मुझे भी याद नहीं है कि कौन सी पैकेजिंग है। बहुत अच्छा हेयर सीरम है, फ्रिजी बालों के लिए, डैमेज्ड बालों के लिए, बालों को थिकनेस बनाने के लिए हेयर सीरम भी बड़े कमाल से आपके बालों पे वर्क करने वाला है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हेयर सीरम की ही बारी आती है। जैसे आप हेयर वॉश करते हैं, आपके बाल हल्के हल्के गीले होते हैं या फिर सूखे भी हों, तो भी आप इस हेयर सीरम को अपने बालों पे लगा सकते हैं। और ये है खादी ब्रांड का हर्बल हेयर सीरम फॉर फ्रिज हेयर, फॉर स्मूथ, शाइनी एंड डीप कंडीशनिंग हेयर। ये SLS फ्री है, पैराबिन फ्री है, 50 ml की इसकी पैकेजिंग है, जिसका प्राइस है 225 रुपये। नीचे मैं इसका लिंक दे दूंगी, हो सकता है कि ये आपको डिस्काउंट में भी मिल जाए। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ देखेंगे, इसके अंदर कोकोनट ऑयल है, व्हीट ग्राम ऑयल है, जोजोबा है, ग्रेपसीड ऑयल है, लेमन है, आलमंड ऑयल है, ब्राह्मी है, और मंजिष्ठा है। ये सारी ऐसी हर्बल जड़ी बूटियां हैं जो आपके बालों में थिकनेस लेके आएगी, आपके बालों को टैंगल फ्री बना देगी। और अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे तो ये इतना चिकना है कि जैसे ही आप इसको अपने बालों पे लगाएंगे ना, आपके बाल बिल्कुल चमक उठेंगे, और लगा के जैसे ही आप कॉम करेंगे, आपके बालों में इंस्टेंट आपको शाइन दिखेगी। बहुत अच्छा हेयर सीरम है, और ये हेयर सीरम मैं बहुत दिनों से यूज करती आ रही हूँ। बहुत लड़कियां मुझे पूछती हैं कि आप कौन सा हेयर सीरम यूज करती हैं, तो मैं ये वाला खादी ब्रांड का, जो कि 100% नेचुरल है, यही हेयर सीरम यूज करती हूँ। और मुझे ये हेयर सीरम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इंस्टेंट मेरे बालों पर ये रिजल्ट देता है। तो हर रोज जैसे ही आप हेयर वॉश करते हैं, इसको लगाना मत भूलिएगा, बहुत अमेजिंग हेयर सीरम है। बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन हेयर मास्क आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये है खादी ब्रांड का प्रोटीन हेयर मास्क, जो आपके बालों में वॉल्यूम लेके आएगा, जो आपके बालों में थिकनेस लेके आएगा, जो आपके बालों में ब्लैकनेस लेके आएगा। ओके जी, तो ये कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग है। अगर हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स देखें कि कौन से, इसके अंदर सोया प्रोटीन है, इसके अंदर शिकाकाई है, इसके अंदर नीम है, इसके अंदर हबिस्कस है, इसके अंदर अजवाइन है, इसके अंदर मेथी है, भृंगराज है, फेनुग्रिक सीड्स है, इसके अंदर लेमन है, बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हम अपने बालों के लिए हमेशा यूज करते हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स ऑफकोर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। और इसका जो MRP है वो है 210 रुपये, लेकिन आपको ये 150 में भी मिल सकता है इसकी जो, और ये क्लिनिकली प्रूवन है, WHO GMP द्वारा क्रेटिफाइड है, डर्मोलॉजिकली टेस्टेड है, और बहुत ही अच्छी हेयर क्रीम है। व्हाइट कलर की हेयर क्रीम आपको इसके अंदर मिल जाती है, और ये हेयर क्रीम अगर मेरे इतने लंबे बाल हैं आपके, तो 2 बार चलेगी, अगर मेरे से छोटे हैं तो 4 बार चलेगी, अगर और भी ज़्यादा छोटे हैं तो ये आपके 6 बार भी चल जाएगी। अब आपको इसका यूज कैसे करना है, आप इसको शैम्पू करने से पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा गंदगी उनके अंदर चली गई है, तो आप पहले शैम्पू करें, उसके बाद इसको लगा लें। और हाँ, ये जो प्रोटीन हेयर क्रीम है ना, इसे आप अपने स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं। हाईली हाईली रिकमेंड करती हूँ मैं, ये हेयर प्रोटीन क्रीम आप लोगों के पास होनी चाहिए। इससे बेस्ट हेयर प्रोटीन क्रीम आपको कहीं नहीं मिलेगी, और सबसे अच्छी बात आपके बजट में है। आप इसको स्कैल्प पे, हेयर लेंथ पे लगा के छोड़ दें 15 से 20 मिनट तक, और उसके बाद आप शैम्पू कर दें, या फिर आप सिंपल पानी के साथ भी इसको वॉश कर सकते हैं। और जैसे ही आप वॉश करेंगे, सिर्फ 2 बार के यूज में आपको 60-70% आपके बालों में 100% रिजल्ट नजर आएगा।
तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं दोनों चीजों को लेने में, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरी फेवरेट है, मैं लगाना पसंद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ ऐसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए वो थोड़ा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।